सो हाय पीपल, आई एम ईगल। तो आज मैं फिर से करने वाला क्रॉसमैन के कुछ खतरनाक डेयर्स। तो चलो पहला डेयर करते हैं। तो पहला डेयर क्या है? ओके, सर्वाइव इन लावा फॉर 10 सेकंड्स विद लेदर आर्मर विदाउट फायर रेसिस्टेंस। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं एक मिनट में ही कर दूंगा। चलो ये डेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर दिया है, तो चलो इस जैसे लेदर आर्मर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लेदर आर्मर निकाल लिया, अब चलो लावा में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेदर आर्मर निकाल लिया, अब चलो लावा में चलते हैं 10 सेकंड सर्वाइव करने। तो यहाँ पे मेरा 10 सेकंड टाइमर चालू हो चुका है, होप मैं 10 सेकंड सर्वाइव कर लूँ। अरे मैं तो तुरंत ही मर गया। हग दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाग रहा है, लेकिन ना भाई, हग दिया। ये डेयर तो मुझसे नहीं हो पाया, चलो अगले डेयर पे चलते हैं। अगला डेयर है टट्टी खा लो। रुक भाई, अभी तू लोल। अब देखते हैं अगला डेयर कौन सा है। ओके, मेक मैक्स इंजेंटेड आर्मर एंड टूल्स। तो भाई अभी मैं टूल्स तो नहीं बना सकता, अभी मैं सिर्फ आर्मर को इंजेंट करूंगा। मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं, चलो पहले एक्सपी ले लेते हैं। मैंने एक्सपी ले लिया, अब चलो चेस्ट से हेलमेट निकाल लेते हैं। चलो अभी पहले हेलमेट को इंजेंट करते हैं। अगर आपको भी इंजेंट करना होगा तो आप देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ और मैं कौन कौन से बुक्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहला थ्रोन्स 3 लगाया है, चलो अब दूसरा बुक लगाते हैं इस हेलमेट में। तो अब कौन सा है? अब अनब्रेकिंग 3, तो ये भी मैंने लगा दिया है। अब अगला देखते हैं। तो अगला बुक है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4। आप ये बुक भी लगा सकते हो और या कोई और भी प्रोटेक्शन वाला लगा सकते हो। तो अब अगला बुक कौन सा है? मेरा एक्सपी खत्म हो गया, तो यहाँ पे मैंने फिर से एक्सपी ले लिया है। अब चलो एक्वा इन्फिनिटी ये बुक है, इसे भी लगा लेते हैं। तो देखते हैं अगला बुक कौन सा है। तो अगला बुक है रेस्पिरेशन 3। तो ये हेलमेट अब बहुत इंजेंट हो चुका है, तो मैं इस इंजेंटेड हेलमेट को पहन लेता हूँ। तो मैं इस चेस्ट प्लेयर्स को इंजेंट करने वाला हूँ, लेकिन मेरे एक्सपी खत्म हो गई है। चलो क्रिएटिव में इंजेंट करते हैं इस पूरे आर्मर को। तो अब इस चेस्ट प्लेट को इंजेंट करने की बारी है। तो अब मैं उतना तो नहीं बोलूंगा, आप देख लो कि मैं क्या क्या इंजेंट में लगा रहा हूँ। मैंने पूरे आर्मर को इंजांट कर लिया है। चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये कितना पावरफुल है। अबे भाई, इसमें 2.5 का डैमेज मिलता है। अब फिर से ट्राई करते हैं। आर्मर तो बहुत पावरफुल हो चुका है, अब चलते हैं दूसरे डेयर पे। तो देखते हैं दूसरा डेयर क्या है। ओके, मेक फुल डायमंड आर्मर एंड टूल्स इन 7 मिनट। चलो ये डेयर करते हैं, मगर सिर्फ मैं आर्मर ही बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं नए वर्ल्ड में आ चुका हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ओह, यहाँ पे तो एक चेस्ट है। ओह माय गॉड, ये क्या, इसमें तो 64 डायमंड्स है। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। काम बहुत आसान हो चुका है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे पेड़ तोड़ूंगा और उसे क्राफ्टिंग टेबल बना के आर्मर बना लूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले ये डर्ट हटा देता हूँ। 7 मिनट में आर्मर बना था, लेकिन यहाँ तो मैं 1 ही मिनट में बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं पेड़ सारे कट कर लेता हूँ जल्दी से, यहाँ पे पेड़ तोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। टेंशन की कुछ बात नहीं है, यहाँ पे मुझे डायमंड मिल ही चुका है, तो मैं यहाँ पे आर्मर तुरंत ही बना लूंगा। यहाँ पे ट्री भी मैंने कट कर लिया, मैं इस वुड्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट करके क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले वुड्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल बन ही चुका है, मैं जल्दी से यहाँ पे आर्मर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे बूट्स हो गया, चेस्ट प्लेट हो गया, हेलमेट हो गया और लेगिंग्स। तो यहाँ पे मेरे पूरे आर्मर बना लिया और मैं पहन भी लिया। तो ये डेयर तो मैंने बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लिया और मुझे टाइम भी नहीं लगाया ज़्यादा, और ये बहुत ही ईजी था। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना, बहुत गुड हो गया जी। वो डेयर तो मैंने कंप्लीट कर लिया है चीटिंग से। नहीं नहीं, चीटिंग से नहीं, मैंने तो वो रियल में कंप्लीट किया है। Are you sure about that? तो देखते हैं अब अगला डेयर कौन सा है। ओके, तो मुझे 100 ज़ॉम्बीज को 100 आयरन गोलम से फाइट करवाना होगा, वो भी एक विलेज में। तो यहाँ पे मैं इस विलेज में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 आयरन गोलम स्पॉन करने का काम कर दिया और यहाँ पे रात भी हो चुकी है और मैं रात होने का ही वेट कर रहा था, क्योंकि उसी में ना ज़ॉम्बी। तो चलो पहले मैं नाइट विजन पी लेता हूँ
और यहाँ पे मैं 100 अनग्लोइंग स्पॉन करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे एक पंपकिन डालता हूँ, तो इसे करके मैं सारे पंपकिन डाल देता हूँ। मैंने 100 अनग्लोइंग स्पॉन कर दिए और यहाँ से जॉम्बीज भी आ चुके हैं, यहाँ पे आयरन गोलम से मार रहे हैं। अब देखते हैं कौन जीतेंगे, जॉम्बीज या आयरन गोलम। फाइट तो टक्कर की है। ये क्या, यहाँ तो सारे जॉम्बीज मर गए लेकिन यहाँ पे एक भी आयरन गोलम नहीं मरा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना और उसके साथ एक डेयर भी लिख देना। और हाँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।